नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कुक विद सोना में स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है नारियल बर्फी। इसे खोपरा की चक्की या नारियल चक्की भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप घर पर बहुत ही कम सामग्री से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस आसान रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। नारियल बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ आधा किलो नारियल का बुरादा लिया है और आधा किलो ही हमें इसके लिए शक्कर ली है। साथ ही हम इसमें 50 ग्राम घी और लगभग 1 चम्मच इलायची पाउडर ले लेंगे। अब हम इसमें से 1 कटोरी बुरादे को बारीक पीस लेंगे। इसको 1 कटोरी को हमें बारीक पाउडर बनाना है। इससे नारियल बर्फी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और एकदम मावे जैसा लगेगा। अब हम बर्फी बनाने के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ शक्कर डाल दी है और उसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। शक्कर घुलने तक हम इसे चलाते रहेंगे। शक्कर घुल जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध हमें पानी के साथ मिक्स करके डालना है। दूध डालने से आधा मिनट बाद शक्कर का जो कचरा है वो ऊपर आ जाता है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। कचरा निकालने के बाद चाशनी एकदम साफ हो गई है। चाशनी पकने तक हम बर्फी जमाने के लिए बर्तन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। लगभग 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के बाद चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी में तार बन रहे हैं। हमें 2 तार की चाशनी चाहिए। चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसके बाद जो पाउडर ग्राइंड किया था उसको भी डाल देंगे। दोनों को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। चाशनी मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें इलायची पाउडर और साथ ही घी भी डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे हैंड मैशर से मैश करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोटे का यूज भी कर सकते हैं। मैश करने के बाद हम इसे बर्फी जमाने के लिए एक प्लेट में डाल देंगे। साथ साथ में हम हाथों से दबाते हुए इसे चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। अच्छे से हाथों से प्रेशर देकर जमाकर हम इसे आधे घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। आधे घंटे जम जाने के बाद हम इसमें सिल्वर वर्क लगा देंगे। ये ऑप्शनल है। वर्क लगाने के बाद हम इसे
चाकू से स्क्वायर शेप में काट लेंगे। हमारी नारियल बर्फी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम आपके साथ ऐसे ही नई नई रेसिपीज शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही हमारी रेसिपीज को लाइक जरूर करें। थैंक यू।